ठंड के मौसम में हर किसी को अपने गार्डन को फूलों से भर देने का मन करता है तो हर किसी को ऐसे कुछ फूलों के पौधे की तलाश होती है जो थोड़े सस्ते में मिल जाए तो हाँ जी फ्रेंड्स ऐसे भी प्लांट्स नर्सरी में अवेलेबल है जो सिर्फ और सिर्फ पंद्रह से बीस पच्चीस रुपए में आपको इस समय मिल जाएंगे और आप बहुत कम पैसों से अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं और इन फूलों के जो प्लांट्स हैं चाहे तो आप इनको ज़मीन में लगा ले या छोटे गमले में लगा ले कैसे भी ये चलते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ फूलों के नाम शेयर करने वाली हूँ जो इस समय आप बहुत ही सस्ते में यानी पंद्रह से बीस पच्चीस रुपये में आप इन प्लास्ट को खरीद के ला सकते हैं फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल गार्डन नॉलेज हब फ्रेंड्स अगर आप आज पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों लिस्ट के सबसे पहले नंबर में मैं पिटुनिया को रखना चाहूँगी पिटुनिया इस समय बहुत सस्ते में आपको मिलते हैं सिर्फ पंद्रह से बीस पच्चीस रुपए में आपको खिले हुए फूलों के पौधे मिल जाते हैं इसमें रंग बिरंगे कलर्स के फूल आते हैं और ये आप गर्मी के पहले पहले तक इसमें फ्लारिंग होते रहती है कंटिन्यूस फ्लारिंग होती है ये देखिए ये जो है फूल ये पिटूनिया के डबल पेटल है एकदम गुलाब जैसे दिखता है साइज़ में खूब बड़ा फूल खिलता है इसमें भी कई शेड्स आपको मिल जाते हैं एक बहुत ही लो मेंटेनेंस वाली प्लांट है एक बार इसको अच्छे खाद के साथ इसको आपको लगा देनी है और फिर देखना नहीं है एकदम धूप में इसको आप रख सकते हैं और बस आपको इसमें पिंचिंग करते रहना है जो डेड फ्लार फ्लारिंग है उसको हटाते जाना है तभी इसमें कंटिन्यूस ब्लूमिंग होते रहती है पानी का ध्यान रखना है फ्रेंड्स ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करना है क्योंकि इसके शैलो रूट्स होते हैं नहीं तो रूट रोटिंग का प्रॉब्लम हो सकती है तो फ्रेंड्स देरी ना करें जल्दी से इनके ऐसे पौधे खरीद के लाइए सिर्फ पंद्रह से बीस पच्चीस रुपये में आपको मिल जाने हैं कैसे भी पॉट में इसको आप लगा लें दोस्तों अगला जो प्लांट है वो है ये देखिए गजानिया गजानिया को मैं इसलिए दूसरे नंबर पे रखी हूँ क्योंकि आप इसका इस तरह के पौधे अगर लेने जाएंगे तो आपको पंद्रह से पच्चीस रुपए में मिल जाएंगे और अगर छोटे छोटे पौधे लेने जाएंगे तो हो सकता है वो पाँच से सात रुपए में ही आपको मिल जाए गजानिया के प्लांट को धूप पसंद है पानी कम पसंद है एक बार इसको अच्छे खाद वाली मिट्टी में लगा देनी है और देखना नहीं है और महीने में एक बार इसको सरसों खली खाद आप दीजिए इसके फूल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसके जो प्लांट है लंबे समय तक चलता है गर्मी के इनिशियल तक इसमें फ्लावरिंग होते रहती है फ्रेंड्स अभी नर्सरी में इसके कई शेड्स आपको दिखने लगेंगे क्योंकि आजकल फ्लावर खिले हुए पौधे मिलना शुरू हो चुका है अगला जो खूबसूरत फूल है ये है डॉग फ्लास ये भी कई रंगों में आते हैं और सिर्फ और सिर्फ पंद्रह से बीस पच्चीस रुपए में आपको इस समय मिल जाएंगे खिले हुए फूल इस समय अवेलेबल है फ्रेंड्स और बच्चे इसे बेहद पसंद करते हैं क्योंकि ये देखिए इस तरीके से अगर करेंगे तो ऐसा लगता है कि दो डॉग्स भोंक रहे हैं तो बेहद अच्छा लगता है ये भी एक नो केयरिंग वाली प्लांट्स है एक बार खिल जाने पे इसके जो फ्लास है इसको आपको तोड़ देनी है तभी इसमें न्यू न्यू ब्रांचिंग होती है और टिप में इसमें फ्लारिंग होती है तो ये ध्यान रखना है और आप देखेंगे कई बार इसमें आप फ्लास ले सकते हैं फ्रेंड्स सालविया के फूल देखने में बेहद खूबसूरत लगता है ऐसे तो ये लाल रंग इसमें मेन कलर है लेकिन आजकल बाकी कलर्स भी अवेलेबल होने लगे हैं और सबसे खास ये बात है कि फ्रेंड्स ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है एक भी पौधे आप अगर खरीद के लाएंगे उससे कई पौधे आप बना सकते हैं तो इसमें भी आपको डेड जो फ्लास है जो सूखे हुए फूल है उसको हटाते रहना है और फिर आगे कई बार इसमें आप फ्लारिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स ये भी नर्सरी में इस समय बहुत सस्ते में आपको मिल जाने वाले हैं नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डैंथर्स डांथर्स में भी ये देखिए गुच्छों में फूल खिलते हैं और बेहद खूबसूरत दिखता है कई रंगों में कई शेड्स में अवेलेबल है और इसमें भी आपको जो डेड प्लास है जो सूखे हुए फूल है उसको हटाते रहना है और बार बार इसमें प्लास आप ले सकते हैं और अगर इस समय आप सूखे हुए फूलों को नहीं हटाएंगे तो वो सीड्स तैयार होंगे और जो प्लांट की एनर्जी है वो सीड्स तैयार करने में यूज हो जाने वाले हैं और आपको फिर ब्लूमिंग बहुत अच्छा नहीं मिलने वाले है तो इस समय आपको फूल लेने के लिए इसको आपको हेडिंग करते जाना है फ्रेंड्स दोस्तों मार्केट में ये भी पंद्रह से बीस पच्चीस रुपये में आपको मिल जाने वाले है डाइंथर्स फैमिली के ही और एक फूल ये है स्वीट विलियम देखने में बिल्कुल डाइंथर्स जैसे ही दिखता है और ये देखिए ये एक लंबी स्टिक में डेंथस जैसे ही खिलता है फूल और इसमें भी कई कलर्स आते हैं दोस्तों ये स्वीट विलियम एक लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है और ये छोटे गमले में आप लगा सकते हैं जमीन में लगा सकते हैं ये भी बहुत सस्ते में आपको 20-25 रुपए में मार्केट में मिल जाने हैं अगला जो फूल है वो है जीनिया जीनिया के ये जो हाइब्रिड वैरायटी है बेहद खूबसूरत दिखता है छोटे हाइट का होता है और एकदम भर के फ्लारिंग करता है कई रंगों में मिलता है ये देखिए एकदम मल्टी पेटल सिंगल पेटल सारे वराइटीज आते हैं ये भी बहुत सस्ते में इस समय आपको मिलेंगे फूल खिले हुए पौधे मिलेंगे इस प्लांट को कम पानी पसंद है ओवर वाटरिंग नहीं करना है और इसको धूप पसंद है ये भी नर्सरी में बीस पच्चीस रुपये में आपको मिल जाने हैं फ्रेंड्स दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई पौधा चाहिए जो भर भर के आपको फूल देंगे पूरा गमला भर के फूल देगा तो आप वरवीना को ज़रूर लाइए वरवीना रुक रुक के फ्लारिंग करते रहती है ये देखिए पूरा भर के फ्लारिंग करता है और इस समय ये नर्सरी में सिर्फ और सिर्फ बीस से पच्चीस रुपए में आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स ये देख सकते हैं नर्सरी में कई कलर अभी अवेलेबल है फ्रेंड्स दोस्तों अगला जो फूल जो कि सस्ता और ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला फूल है वो है ये देखिए कैलेंडुला इस समय कैलेंडुला के पौधे आपको हर नर्सरी में मिलेंगे वो भी बहुत सस्ते में सिर्फ और सिर्फ पंद्रह रुपये में आपको मिल जाएंगे थोड़ा बड़ा प्लांट लेंगे तो हो सकता है वो बीस रुपये में आपको मिल जाए ऑरेंज और येलो कलर में ये अवेलेबल होता है इसको आप झट से ले आइए नर्सरी से और एक नो केयरिंग वाली प्लांट है फ्रेंड ये धूप इसे पसंद है धूप में आप इसको लगाइए पॉट में लगा सकते हैं जमीन में भी लगा सकते हैं दोस्तों अगला जो सस्ता खूबसूरत लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है वो है एस्टर ये कई कल रंगों में आते हैं एकदम चटक रंगों में ये दिखते हैं बहुत सुंदर दिखता है और इसके पौधे का हाइट थोड़ा लंबा होता है इसीलिए कई बार इसको एक स्टिक से बांधना जरूरी हो जाता है फ्रेंड ठंड के मौसम में हर कोई अपने गार्डन में गेंदा लगाना पसंद करता है वो चाहे गार्डनिंग का शौक रखता हो या नहीं आजकल मार्केट में कई वैरायटी के गेंदे आने लगे हैं ये देखिए कितने एकदम लड्डू जैसा गेंदा और बहुत सारे भर के इसमें कलिया आती है और इसको आप ले सकते हैं इतने अच्छे बड़े बड़े प्लान जो है ये सिर्फ और सिर्फ बीस रुपये मिलता है और इसी का अगर आप छोटा प्लांट लेंगे तो पाँच से सात रुपये में आपको मिल जाता है इस समय आप गेंदे के छोटे पौध भी लगा सकते हैं क्योंकि गेंदा जो है वो गर्मी में भी अच्छा फ्लारिंग करता है अगला जो फूल जो भर भर के खिलता है कई रंगों में खिलता है छोटे छोटे इसके फूल है ये देख सकते हैं बहुत सुंदर दिखता है ये है टोरेनिया तो टोरेनिया के जो पौधा है वो इस समय आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं फ्रेंड्स और एक नो केयरिंग वाली प्लांट है और एक बार अगर आप टोरिनिया को घर ले आते हैं और लगाते हैं तो आगे भी ये अपने आप बहुत सारे पौधे निकल आते हैं और एक सस्ता प्लान जो कि 20 से 25 रुपए में मिल जाते हैं फ्रेंड्स आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं कैरियो में लगा सकते हैं और ये देखिए गुच्छों में खिलता है छोटे छोटे से फूल होता है और भर भर के खिलता है ये है लाइसम और देखिए कितना प्यारा लग रहा है जो वाइट कलर है ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा आ, ऐसे इसके और भी कलर्स आते हैं फ्रेंड्स जैसे कि पर्पल हो गया लाइट पिंक विंटर में और एक बहुत खूबसूरत पौधा ये देखिए विंका जिसे सदाबहार हम बोलते हैं ये हाइब्रिड विंका है और ये आपको 20-25 रुपए में मिल जाते हैं फ्रेंड्स केयरिंग थोड़ा सा टफ़ है लेकिन ये ठंड में बहुत अच्छे से चल जाते हैं अगला जो फूल है ये है फ्लॉक्स का फूल और ये भी बीस से पच्चीस रुपए में आपको नर्सरी में मिल जाएंगे बहुत अच्छा लगता है ये गुच्छों में खिलता है कई कलर्स के आते हैं आज के वीडियो में मैं जितने भी फूल आप लोगों के साथ शेयर की हूँ ये सारे सीड्स बनाते हैं और आप फरवरी एंड से मार्च अप्रैल तक इनके सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप सेव करके रख सकते हैं और कमिंग ईयर में इसको फिर से सीट से तैयार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर करें वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर करें इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी गार्डनिंग